अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल तू मेरा जुनून एपिसोड 37 में आप देखेंगे अयाद को पता चल गया है कि इस पे और इसके घर पे जादू टोने करने वाली और कोई नहीं बल्कि तैमूर की माँ है। और जब अयाद तैमूर की माँ से ये सब बातें करती हैं तो तैमूर की माँ गुस्से में आ जाती है और वो हयात से कहती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई अपनी माँ की तरह, इन बातों का क्या मतलब है? तो हयात भी गुस्से से कहती है कि मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहो। तो तैमूर की माँ कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, जो लोग चले जाए उनके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे हयात और तैमूर की तू तू मैं हो जाती है। तो हयात भी तैमूर से गुस्से में कहती है कि तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही ढूंढ लूंगी अपनी माँ को। तो तैमूर हयात पे तंज करते हुए कहता है, कैसे ढूंढोगी इस तावीज की मदद से, कि यह तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे रोशन जिसने बहुत चालाकी से हयात की वालदा को अपने पास रखा हुआ है और किसी को पता भी नहीं लगने दिया, हत्ता कि अपनी माँ को भी नहीं बताया। और फिर वो हयात की वालदा सालिया से कहती है कि खबरदार अगर इस कमरे से एक कदम भी बाहर रखा तो। सालिया कहती है कि मैं जा के आती हूँ। तो रोशन कहती है, अब जा कहाँ रही हो, पहले आने की जल्दी थी और अब जाना चाहती हो। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे तैमूर को भी अब यकीन हो चुका है कि इसकी वालदा हयात पे जादू टोना कर रही हैं। तो वो गुस्से से अपनी माँ से कहता है कि किधर हैं वो सारी चीजें। और फिर वो ड्रेसिंग टेबल की दराज खोलता है तो उसमें से उसे वही कपड़ा मिलता है। और जब वो उस कपड़े को खोलता है तो उसमें मौजूद जादू टोने की तमाम चीजें नीचे गिरती हैं, जिन्हें देख के वो हैरान रह जाता है और उसकी वालदा भी घबरा जाती हैं कि इनकी ये साजिश पकड़ी गई।